आज हम पहुंचे हैं मणिकर्ण साहिब। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में स्थित सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ के गर्म झरने, धार्मिक प्रवृत्तियाँ और खूबसूरत वातावरण पर्यटक को बेहद आकर्षित करता है। कई मंदिरों की संख्या और गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब इस जगह को एक धार्मिक स्थान बनाते हैं। मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा सिखों और हिंदुओं दोनों के द्वारा पवित्र माना जाता है। प्रत्येक धर्म के पास अपनी मान्यताओं के पीछे अपने कारण हैं। यहाँ हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव और देवी पार्वती लगभग 1100 वर्षों तक यहाँ पर रहे थे और सिखों के अनुसार गुरु नानक जी ने यहाँ कई चमत्कार किए थे। मणिकर्ण साहिब कुल्लू का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस गुरुद्वारा का ज्ञान ज्ञान सिख द्वारा 12वें गुरु खालसा में भी उल्लेख किया गया है। अगर आप मणिकर्ण साहिब के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे कि मणिकर्ण नाम से ही पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति मणि से हुई है। इस स्थान पर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती उस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए और 1100 सालों तक यहाँ पर रहे थे। जब वे यहाँ पर रहे थे तब देवी पार्वती ने मणि को धारा में खो दिया और इसे लेकर वे परेशान भी थी। शेषनाग ने उस वक्त मणि को निगल लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव क्रोधित हो गए और मणि को वापस पाने के लिए उन्होंने तांडव शुरू कर दिया था और शेषनाग उबलते पानी और गर्म झरनों को जन्म देता है। पार्वती के मणि के समान दिखने वाले रत्न पूरे पानी में फैल जाते हैं। इसके बाद इस जगह को मणिकर्ण नाम मिलता है। वहीं सिखों के अनुसार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी अपने अनुयायी भाई मर्दाना के साथ तीसरी उदीसी के दौरान 1574 में यहाँ आए थे। मर्दाना को भूख लगी थी लेकिन भोजन नहीं था, इसीलिए उसको गुरु नानक जी द्वारा लंगर के लिए भोजन एकत्र करने के लिए भेजा था। इसके बाद रोटियां बनाने के लिए लोगों ने आटा दान किया था। सामग्री होने के बावजूद वे भोजन पकाने में असमर्थ थे। इसके बाद गुरु नानक जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही एक गर्म पानी का झरना निकल आया। इसके बाद मर्दाना ने रोटियों को गर्म पानी के झरने में डाल दिया। इसके बाद गुरु नानक जी के कहने पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि अगर उसकी रोटी वापस तैर कर आ गई तो वो एक रोटी भगवान को दान करेगा। जब उसने प्रार्थना की तो पकी हुई रोटी पानी पर तैरने लगी। गुरु नानक जी ने कहा, अगर कोई भी भगवान के नाम पर दान करता है तो उसका डूबता हुआ सामान वापस तैरने लगता है। ये था मणिकर्ण साहिब का इतिहास। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।